श्याराम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गुड इवनिंग, एंड आज है कौन सा दिन है? आज है 27th of August, वेडनेसडे है आज। तो आज हम आए कोटा सिटी पार्क। मैंने आपको मेरे पिछले से एक या दो वीडियो पहले मैंने बोला था कि मैं बहुत जल्द यहाँ आऊँगा, तो फाइनली आज मेरे को एंट्री मिल गई है। वेडनेसडे का दिन है, तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको मेरे नज़रिए और मेरे कैमरे के नज़रिए से कोटा रिवर फ्रंट, चंबल माता के दर्शन भी कराऊंगा मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, हम पहले सबसे पहले आए हैं बावड़ी में। आपको बावड़ी दिखा देता हूँ, मैं एक लुक दे देता हूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा नीचे जाके फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये बावड़ी और ये फाउंटेन चलता हुआ। इसका मैं एक ये आप ऐसा देख सकते हैं 0.5x पे ऐसे दिखती है बावड़ी। तो अभी फ़ोटोज़ खिलाते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो आप ये बावड़ी जैसे मैंने दिखाई यहाँ पे फ़ोटो शूट कर सकते हो। जैसे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये शायद से एंट्री गेट है। इसके पीछे मेरे को घोड़े दिख रहा है, मैं अभी चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। अभी ढोल भी अंदर से ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर। अभी आपने देखा है, भैया लोगों ने हमें हमारे एंड स्वागत किया है। और ये था कुछ ब्रॉड है नयापुरा घाट। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है कहाँ जा रहे हैं। अभी हम जाएंगे फिर सिंह घाट, उत्सव घाट, कनक महल और चंबल माता घाट। और ये रहा रास्ता जाने का। लुक एट दिस, पधारों का प्रॉपर राजस्थानी टच। और ये फोटो शूट के लिए ये है NH 52, जयपुर भोपाल नेशनल हाईवे। और इधर है नयापुरा बस स्टैंड, जो कोटा आए कभी उनके पता होगा। और ये चंबल नदी, और ये पूरा कोटा रिवर फ्रंट। बस अभी इसी पे चले रहे, अभी दिखाता हूँ मैं आगे चलते। ये देख सकते हो पानी अभी भी बहता हुआ। अभी चल रहे आगे, दिखाते हैं हम आपको। वॉकिंग स्ट्री हो, देखोगे? चलो दिखाता हूँ। पहले चंबल देख लो एक बार, अभी ज़्यादा दिखाता हूँ। सामने देखिए चंबल माता, चंबल रिवर फ्रंट, और ये रहा जादू, कोटा चंबल रिवर फ्रंट टाइगर। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, जो मैं देख पा रहा हूँ वो बहुत प्यारा है। ये नाम पास से देखते हो, ये अभी चल ही रहा है। कोठा चंबल रिवर, देखो दरवाज़ा जो कि बंद है। और ये यहाँ पे ऐसे स्क्रीनिंग लगी है, यहाँ पे वीडियो चल रहा है। ये कोटा ऑक्सीजन पार्क का चल रहा है वैसे तो। यहाँ पे दो तीन जगह देखी है मैंने अभी, और ये भी अच्छा है वैसे। चल रहे भैया, यहाँ फ़ोटो वोटो क्लिक करवा लिया, आगे चलते हैं। देखो मतलब यहाँ मोस्टली ये फ़ोटो शूट ही हो रहा है। आगे भी वैसे यहाँ राजस्थानी गाने चल रहे, और ये ऐसी छतरियाँ बनी हुई है, बट अभी अलाउ नहीं है अंदर जाना। और वॉशरूम अगर किसी को जाना है तो वो भी है थोड़े थोड़े दूरी पे। ये बेसिकली इस साइड वॉशरूम ही है, ये वहाँ पे लास्ट कॉर्नर पे। अभी जब ये ऊपर जाने का आएगा तब आएगा मतलब। बैठने के अरेंजमेंट भी है, जो कि ऐसे पौधे के साइड में लगा रखे एक पूरा। एंड वॉशरूम उधर नहीं है, वॉशरूम वो सामने उधर है, गार्ड अंकल बैठे हैं। ये मैं दिखाता हूँ अभी, ये है वॉशरूम। अरे आप ऊपर जा सकते हो, बट अभी अलाउ नहीं है, देख लीजिए। ये रहा सामने, सामने एक और घाट है, साइड भी जा सकते हो। एंट्री दोनों साइड से टॉप से भैया, कि ये जैसे इन्होंने लगा रखा है ना आइकॉनिक ओपनिंग सून, तो ये पूरी लाइन से शॉप से। पीछे जो खाली मैं बता रहा था कि कुछ होगा नहीं, वहाँ पे भी शॉप से। और ये 5-3 किलोमीटर लंबा सामने भी है, वहाँ से भी एंट्री है। ये इधर ये घाट है। कॉफ़ी लवर्स के लिए गुड न्यूज़ है, कोस्टा खुलने वाला है कोटा में, और वो भी कहाँ, चंबल रिवर फ्रंट पे। तो अगर कॉफ़ी पीनी है कोस्टा की तो चंबल रिवर फ्रंट तो आना ही पड़ेगा। और ये कुछ नज़ारे, एक वॉशरूम, ये रहा वॉशरूम तो जगह जगह पे। और ये यहाँ पे ये सिंह घाट है वैसे, क्योंकि ये यहाँ पर लिखा है ये सिंह घाट, और ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं कहाँ क्या है क्या नहीं।
पे एक फाउंटेन है और एक फाउंटेन है यहाँ पे जो कि काफ़ी बड़ा है। ये 0.5x में अगर शूट नहीं होगा सॉरी, तो ये देख सकते हो आप। और ये बोल गए, ये बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स अभी चल रहे हैं आगे और राजस्थानी फोक सॉन्ग चल रहे हैं यहाँ पे, तो पूरा राजस्थानी कल्चर मिलेगा आपको। और ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये है फाउंटेन जो कि यहाँ पे ओपन है, लाइटनिंग भी ओपन है, इधर भी लगे हुए, बट ये जल्दी चालू होंगे और आगे चल दिए हैं। ये यहाँ अलाउड है ऊपर जाना, अभी मैं भी जाता हूँ और ऊपर का व्यू बताता हूँ आपको। मेन मेरे लिए यही था और ये सारी शॉप से पूरी की पूरी आप जो भी देख रहे हैं नीचे ऊपर दोनों जगह शॉप से ऊपर नीचे पूरी शॉप से। कर रहा हूँ मेरे को तो अभी वहाँ ऊपर जा क्या है, अभी वापस चल रहे हैं। देखा जैसा आपने देखे फोटोज़ एंड वीडियोस कुछ सिनेमैटिक टाइप की कोशिश की है, तो आई होप अच्छा लगा। वहाँ जा क्या है, वो जो अंकल दिख रहे हैं ना यहाँ, ये पुरानी वॉल है और फिर आप देख सकते हो प्लांट्स वगैरह ये यहाँ पे भी प्लांट्स तो मोटिव रहता ही है। यही मेरे को इसका आइडिया नहीं था ये यहाँ पे कुछ है। अच्छा ये रेडी हो रहे हैं अभी, हाँ होता रहता है। हम अभी आए हैं और ये यहाँ पे अभी खाली कोल्ड ड्रिंक एंड जो आता है ना स्नैक्स वगैरह की वो शॉप अभी यही खुली हुई है और अभी आगे बढ़ते। वीडियो देख रहे हो अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर कमेंट करना एंड मोटिव हमेशा ये रहता है कोटा टूरिज्म राजस्थान टूरिज्म को बढ़ावा देने का, तो आई होप आप आइए। कोटा में खाली कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं है, काफ़ी कुछ है जो आपने एक्सप्लोर नहीं किया है। क्या है कोचिंग इंस्टीट्यूट से कुछ ऐसे सर्टेन इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं, बट टूरिज्म इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर कि आप कोटा आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ खुल चुका है और मैं अभी दिखाता हूँ आपको वाटर फाउंटेन शो। This is musical fountain show. Chale kya outside? वेस्ट घाट है जहाँ से हमने एंट्री लिया और ये सामने ईस्ट घाट, यहाँ भी कोशिश करूँगा एक आध दिन में जाके आपको एक और ब्लॉग बनाऊँगा। आई होप ये भी आपको अच्छा लग रहा होगा। ये शॉप से मैंने बता ही दिया अभी म्यूज़िकल वाटर शो हुआ है और मैं दिखाता हूँ एक और चीज़ आपको, ये है यहाँ का वाटर पार्क जो कि अभी ओपन नहीं हुआ है और स्लाइडिंग भी लगनी बाकी है अभी इसमें, तो चले आगे और चलते इसको ओपनिंग स्पून। अभी चल रहे हैं आगे, पेड़ पौधे सब कुछ है यहाँ पे, मंदिर भी है। चला चलते आते देखते किसका मंदिर। हाँ ये बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे देख सकते हो मंदिर। एक ये मंदिर रहा, ये वॉकिंग स्पेस, ये गार्डन एरिया, मतलब काफ़ी सुंदर बनाया है। और उधर ये वाटर फाउंटेन चल रहा है अभी, मतलब काफ़ी सुंदर लग रहा है।
नाइट व्यू के हिसाब से तो बेस्ट है। अगर दिन में आने का समय मिला तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन बीइंग इन राजस्थान, राजस्थान की इतनी गर्मी होती है कि आपको दिन में आने की हिम्मत नहीं होती, इतना धूप होता है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर वो रिजॉल्व होती है, अभी ठंडियाँ आ रही है आगे, तो बिल्कुल देखो मंदिर जो अभी दिखाया मैंने आपको, ये रहा वाटर फाउंटेन जो अभी आपको दिखाया। मंदिर तो आए थे कि एक और मंदिर आ गया, ये भी शिव जी भगवान का टेम्पल, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कोटा में वृंदावन देखना है, मैं दिखाता हूँ। ये रहा वृंदावन दशावतार घाट, ये आप देखिए, चेक कीजिए ऋषि मुनि वगैरह पूरा। इधर तो वॉल आ गई, बहुत सुंदर। ये वॉकिंग चैनल थोड़ी सी दूर का, और ये चंबल घाट। Sometimes it is better to be silent. मल माता घाट की तरफ बढ़ रहे, और एक सीन दिखा है मेरे को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये मंदिर टाइप बना हुआ है, गुम्बद ऐसा कुछ दिखता है चंबल माता घाट की तरफ जब जाते हैं, तो ये देख सकते हो आप। भैया चल ही रहे हैं आगे, और मेरे को इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, मैं क्या क्या दिखाऊँ, मैं कुछ कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। गेट, और ये यहाँ पे जोहर करता हुआ का, जोहर का ही है नहीं? हाँ, मेन अट्रैक्शन पॉइंट आप देख सकते हैं। हम आ चुके हैं मुकुट में, जंतर मंतर, ये सारी चीज़ें इसी लाइन में हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज के फ्लैग्स, ये अलग अलग मॉन्यूमेंट्स, ये वाइट हाउस यूएसए का, और वाइट हाउस, और ये फ्लैग्स, ये इंडियन फ्लैग, कनाडा, और काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग्स तो देख ही रहे हैं। हेलो गाइस, मैं वाइट हाउस पहुंच चुका हूँ, ये देखिए वाइट हाउस, वाइट हाउस, दिस इज़ व्हाट वाइट हाउस लुक। तो वाइट हाउस पहुंच चुका हूँ, यूएसए का वीज़ा मिल चुका है भाई, जॉब सपाट था वो। ये वाइट हाउस, ये सब कोटा चंबल रिवर फ्रंट पे बने हुए हैं सारे मॉन्यूमेंट्स, और ये क्या है आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये भी कोई फेमस बिल्डिंग है, वो एक मोनेस्ट्री टाइप लग रहा है। और इधर हमारा ग्लोब, और सामने भी काफ़ी अच्छे काशी घाट्स है, तो कोशिश करूँगा अगले वीडियो में वहाँ जाने की, वो भी दिखाते हैं। ये कौन से मोनेस्ट्री, शायद जापान या चाइना की होगा, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर से वैसा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये है पूरा ग्लोब, ग्लोब बना हुआ है यहाँ पे, नीचे फाउंटेन चल रहे हैं, और ये है हमारे इंडिया का लाल किला। तो ये लाल किला कुछ ऐसा दिखता है, आगे भी दिखाता हूँ, आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। प्लीज़ नॉइज़ अवॉइड करना, सॉरी फॉर द नॉइज़। है वसुधैव कुटुंबकम, विच मीन्स द अर्थ इज़ वन, ये वन वर्ल्ड वन ड्रीम, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और इसके जस्ट पीछे हमारा लाल किला, ये आप देख सकते हैं, कई यूके की है शायद से, मेरे को देखो नहीं पता। और ये है हमारे इंडिया के, साउथ इंडिया के टेंपल के फुल डिक्टो वैसा ही बनाया हुआ है ऑलमोस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अभी तक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई, सब्सक्राइब नहीं करते आप। और ये भी किसी का फेमस मॉन्यूमेंट है, इजिप्ट टाइप लग रहा है, बट जो भी है सामने भी है, ये शायद ताजमहल जैसी बिल्डिंग लग रही है, या कोई मॉस्क होगा फेमस। तो आई होप अगर मैं गलत भी बता रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और ये यहाँ पे बोट आ चुकी है, ये जल्द ही नीचे पानी में या अंदर भी जाएगी। एक साइड में दिखाता हूँ टॉरस, एरिस, आप अपना अपना देख लेना भाई, कैप्रिकॉन,
सरिगेट स्कॉर्पियो लिब्रा विग्रो विच इज माइन एंड लियो ये आप देखें यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है ये तो आई होप जल्द पूरा होगा और ये सामने चंबल माता जी की मूर्ति ये जय हो चंबल माई की इसके लिए वन गैस है मेरे पास यहाँ पे रेगिस्तान टाइप कुछ बनाएंगे क्योंकि पेड़ भी वैसे लगाए और सामने है राजस्थान के जहाज कैमल्स ऊँट हमारा राजस्थान में ऊँटड़ो भी केवे चंबल माता गार्डन की तरफ जा रहे हैं ये देख रहा पूरा प्योर राजस्थानी टच भैया मैं तो फैन हो गया गणेश पोल आ चुके हैं हम ये यहाँ लिखा हुआ है गणेश पोल और ये चंबल माता की मूर्ति जय क्या बोलूँ मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है अब यह व्यू चेक कीजिए आप चंबल माता जी अभी देख सकते भरतपुर के फेमस पत्थर अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी काम चालू हुआ नहीं है वैसे मतलब काम तो हो गया कंप्लीट नहीं हुआ है प्रॉपर बट जितना भी हुआ है बहुत सुंदर हुआ है पेड़ पौधे का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है आप देख सकते हैं ग्रीनरी ये चेक कीजिए आप व्यू विद दिस प्लेस कोई है जो मेरे को यहाँ बार बार एंट्री दिला सकता है तो प्लीज़ द कोटा स्मार्ट सिटीजन या फिर कोई भी ब्लॉगर हो भैया हमें भी रिकग्निशन चाहिए यार बुलाओ थोड़ा हम भी आते बाकी अभी चल रहे नीचे दिखाते आपको बैटरी बहुत कम है मेरी गलती हो गई मैंने फ़ोन चार्ज नहीं लगाया तो सर बात ऐसी है कि अगर आप चलते चलते थक जाओ तो यहाँ बैठने के लिए हैं बेंचेस लगी हुई है मैं दिखाता हूँ ये ऐसे बेंचेस लगी हुई है और मतलब रेस्ट कर सकते हैं अभी सामने ये रही बेंचेस एक ये यहाँ लगी हुई है कुछ उस साइड है ये पेड़ के उस साइड नहीं दिख रहा होगा कैमरे में लेकिन उधर भी लगी हुई है तो चलो चलते हैं आगे और ये फाउंटेन कुछ फाउंटेन उस साइड है कुछ वहाँ पर है ये बिल्डिंग और अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे है अलाव वैसे यहाँ के ऑफ पहले हम आप दिखाने आ गए फाउंटेन ये फाउंटेन चेक कीजिए और फाउंटेन के नज़ारे एक और नज़ारे आप फाउंटेन चेक कीजिए इससे मैं तो दिखाता हूँ आपको और ये यहाँ से व्यू चेक कीजिएगा तो सर आप देख सकते हैं कैसा नज़ारा आ रहा है यहाँ से गाइज कुछ ये था कोटा चंबल रिवर फ्रंट या फिर कोटा रिवर फ्रंट कह लीजिए उसका पार्ट वन क्योंकि सेकंड पार्ट है ना बाकी है मेरे दोस्त काफ़ी कुछ अभी बताना बाकी है
तो आए हो, देखा है वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे और काफ़ी सारे ब्लॉग बनाता रहूँ। तो आपने देखा पार्ट वन, आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और ये वैसे आप नज़ारा नज़र और पा लीजिए इसकी तरफ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और बने रहिए मेरे साथ ट्रिप विद पंकज विश्वकर्मा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।